Hello students, welcome to this channel. I'm your maths teacher. Today I'm class 9th, maths chapter factorization, exercise 5b, question number 5 ko yahan pe hum solve karenge. Question is factorize 6a square minus a minus 50. Jo bhi hai, usse hum yahan pe firstly note kar lete hain. 6a square minus a minus 50. Theek hai bachcho? Abhi dekhiye first term and last term ka hame kya karna hota hai? Multiply karna hota hai, yani ki yahan pe 6 into 15. 15 6 90 होता है, वी नो दैट. ठीक है बच्चों, 90 हो गया. तो अभी हमें इस 90 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं. मल्टीप्लाई करने पे तो आपका 90 आना चाहिए, बट सब्सट्रैक्ट और ऐड करने पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए. राइट बच्चों, तो वी नो दैट 10 एंड 9 यही दो फैक्टर्स आपके बनेंगे, क्योंकि 10 इंटू 9 आप जब भी करेंगे तो ये 90 हो जाएगा. राइट, एंड 10 माइनस 9 करेंगे तो ये आपके पास 1 आ जाएगा. सिर्फ यही आपके पास एक फैक्टर बन रहा है. राइट बच्चों, तो अभी देखिए 10 माइनस 9 को हम यहाँ पे 1 के रिप्लेस में पुट करेंगे. तो इसको सॉल्व कर लेंगे. यहाँ पे देखिए 6 ए स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 10 माइनस 9, यहाँ पे आपके पास a माइनस में है 50. माइनस a को हम अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये 6 ए स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, माइनस में हो जाएगा 10 ए माइनस एन माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 9 ए माइनस में आपके पास 15 रहेगा बच्चों. ठीक है, अभी देखिए इन दोनों को तो आप इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों, इन दोनों से आप 2 को कॉमन ले सकते हैं. राइट, एंड ए को भी कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ से 2 ए कॉमन ले लेंगे. यहाँ से बचेगा 2 3 6, ए 2 टाइम्स था, 1 टाइम बाहर ले लिया, तो 1 टाइम ए यहाँ पे आपके पास बचेगा. माइनस है तो माइनस, 2 5 से 10 होता है ना, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, ए था वो हमने बाहर कॉमन ले रखा है ऑलरेडी. प्लस यहाँ पे देखिए 3 इंटू 3 यानी कि 3 है, एंड 3 इंटू 5 बोथ से 3 आपका क्या है, कॉमन आ जाएगा. 3 3 सा 9, ए माइनस है तो माइनस, 3 5 सा 15 होगा. राइट बच्चों, अभी देखिए 3 ए माइनस 5, 3 ए माइनस 5 बोथ से क्या है आपका, कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया. नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा 2a प्लस 3. ठीक है, दिस इज योर फैक्टर. आपको ये जो फैक्टर्स गिवन है सिर्फ यहीं तक सॉल्व करना है, यही आपका फाइनल आंसर है. बहुत ही इजी है, जो भी क्वेश्चन गिवन हो आपको उसके फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, देन उसके ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जो यहाँ पे मिडिल टर्म को सेटिस्फाइड करें, यानी कि मिडिल टर्म आ सके. मल्टीप्लाई करने पर आपका ये टर्म आना चाहिए. ठीक है, एंड सब्सट्रैक्ट एंड एड कुछ भी करें उससे आपका मिडिल टर्म आना चाहिए. ठीक है बच्चों, आई होप आपको एक्सरसाइज 5b क्वेश्चन 5 बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.